फिरोजाबाद नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 12 की लक्ष्मी नगर के लोग अपने मोहल्ले की गलियों को बनवाने के लिए काफी दिनों से परेशान थे। इसी परेशानी के चलते उन्होंने जिलाध्यक्ष राकेश संखवार जी से अपनी गलियों को बनवाने के लिए गुहार लगाई थी। इसी के तहत जिलाध्यक्ष राकेश संखवार जी ने इसका प्रस्ताव महापौर नूतन राठौर के समक्ष रखा था, पर महापौर नूतन राठौर ने लोगों की समस्या को ध्यान में रखा और आज उसी के तहत वार्ड नंबर 12 के लक्ष्मी नगर में 5 गलियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस कार्य की कुल लागत लगभग 42 लाख रुपए है। इस कार्य के शिलान्यास में महापौर नूतन राठौर के सहित जिला अध्यक्ष राकेश संखवार, पार्षद मनोज संखवार और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अरे मुकुल यार, राकेश संखवार जिंदाबाद, 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 राकेश संखवार जिंदाबाद, 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 केशव संखवार जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मोहल्ला लक्ष्मी नगर है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बसाया गया मोहल्ला है लक्ष्मी नगर। अच्छा, ये जो पूरा ये आप देख रहे हैं ये सारे आवास जो है माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये आवास बने हुए हैं। अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ जी, उस विधानसभा के चुनाव पर मैं यहाँ स्वयं वोट मांगने के लिए आया। बाकी के और जो दूसरे दलों के लोग थे, नई आबादी क्षेत्र थी, यहाँ समस्याओं का अंबार है। जहाँ नई आबादी क्षेत्र होता है वहाँ समस्याओं का अंबार होता है। यहाँ दूसरे दल का कोई व्यक्ति यहाँ वोट मांगने तक नहीं आया था, तो मैं यहाँ जब वोट मांगने आया तो मुझे यहाँ के लोगों ने बहुत सारी समस्याएं बताई। मैं उस समय पूरे क्षेत्र में गया, घर घर तक गया, हर घर तक हर व्यक्ति ने अपनी समस्या बताई। सबने कहा कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो रास्ते की कीचड़ हो जाता, निकलने के लिए नहीं रहती। मैंने महापौर जी से निवेदन किया एक बार, मैंने महापौर जी ये वार्ड नंबर 12 में एक नया मोहल्ला बसा है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बसाया गया मोहल्ला है, यहाँ की ये सबसे बड़ी समस्या रास्ते की है। उन्होंने शहर से मेरे इस बात को स्वीकार कर लिया, उसी समय जेई को बुला करके उस प्रस्ताव में दे दिया था। उसी का आज यहाँ मोहल्ला लक्ष्मी नगर में पूजन हो रहा है और इस पूजन यहाँ जो पूजन हुआ है इसकी मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ जो वास्तव में सड़क की यहाँ जरूरत थी, इस गली की यहाँ जरूरत थी, वो मेरे कहने पर नगर निगम ने और महापौर जी ने इसको स्वीकार किया और यहाँ पूजन हो रहा है। लोगों को इसका फायदा मिलेगा, नगर निगम परिवार को और महापौर जी को इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज वार्ड नंबर 12 ककरू कोठी से ये क्षेत्र लगा हुआ है, लक्ष्मी नगर के नाम से है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब हम बाहर से आए थे ककरू कोठी से होते हुए, तो काफ़ी खाली इलाका दिखता है शुरू में, ऐसा लगता है बहुत कम आबादी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वाधिक लाभार्थी हैं और जिनके द्वारा ये लक्ष्मी नगर का जितना क्षेत्र है वो बसाया गया है। तो नई आबादी भी है, ऑब्वियसली समस्याएं भी होंगी। तो धीरे धीरे जिस प्रकार हमने पिछले वर्ष यहाँ पर ट्यूबवेल लगवाया और अभी जो शुरुआत हुई है यहाँ पर विकास की गंगा बहने वाली है, तो विभिन्न गलियों का आरसीसी नाली कार्य और इंटरलॉकिंग से सड़क गली निर्माण कार्य का आज हमने शिलान्यास किया है। तो इसी कड़ी में आज 5 गलियों का हमने शुभारंभ कर दिया है और जैसा कि आपको मैंने बताया कि लगभग एक वर्ष पूर्व हमने ट्यूबवेल भी लगाया और आम जनता काफ़ी खुश है कि यहाँ पर जो समस्या पहले पानी की थी उससे भी बहुत राहत मिली है, पानी पर्याप्त उनको मिल रहा है। और साथ में जैसे कभी ट्यूबवेल खराब हो जाता है और यहाँ के लोग क्षेत्र के वासी परेशान होते हैं, तो उसके लिए भी एक विकल्प हमने दिया है। यहाँ पर एक पानी की टंकी और TTSP 2 इस क्षेत्र के लिए हमने पास कर दी है, टेंडर भी हो गया है, बहुत जल्द उसका भी शिलान्यास इसी तरह हम आपके बीच आकर करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो अब तक की समस्याएं थी और भी काम करना बाकी है, केवल ऐसा नहीं है ये गलियां ही बन जाए, इसके बाद और भी विकास कार्य इस क्षेत्र में लगेंगे। धीरे धीरे जिस तरह से ये क्षेत्र विकसित हो रहा है उस तरह से यहाँ की डिमांड भी बढ़ती जाएगी कि यहाँ पर विकास कार्य कराया जाए। तो आज शुरुआत हो गई है और पिछले एक वर्ष से भी शुरुआत होगी, जिस तरह से पानी की समस्या का समाधान किया है, आगे भी हम इस तरह से आपके बीच आकर आपकी समस्याओं का निस्तारण करते रहेंगे। इस कार्य की कुल लागत जैसा कि आप देख रहे हैं मानक बोर्ड पर लिखा हुआ है 41.5 लाख रुपए लगभग है और ये जनता का पैसा है, जनता के द्वार लग रहा है। तो मेरा आप सभी जनता जो यहाँ पर इस क्षेत्र की, उनसे निवेदन है कि आप स्वयं भी इस कार्य की गुणवत्ता की जाँच करें। जब काम ठेकेदार लगाए निगम का, तो 4 आंखें रखें, कोई भी कमी दिखाई दे, काम की गुणवत्ता में कमी दिखाई दे, आप अपनी आवाज बुलंद करिए, आप हम लोगों से शिकायत करिए, काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरी गुणवत्ता के साथ कराया जाएगा आपके क्षेत्र में।